भैया क्या नाम है तुम्हारा? भैया एशियन चैंपियनशिप क्लासिक में मसल भैया एशिया क्लासिक एंड फिजिक चैंपियन, इसमें आपने पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट रैंक आई आप फिजिक में और क्लासिक में। क्या एम रहा आपका जो कि वहाँ गए, और क्या आपने पहले से तैयारियाँ की जी? किस तरह की तैयारी, मतलब अब मेरी आगे तैयारी रहेगी? और मेरी तैयारी पहले से थी, मेरा पूरा शेड्यूल था, मेरा प्लान था कि मुझे एशिया की तैयारी करनी है, और मैं पिछले एक साल से इसकी प्रिपरेशन कर रहा था। पिछले 4 महीने से डाइटिंग पे था, एक्सट्रीम ट्रेनिंग पे था, और मेरा हार्डवर्क वर्क सफल हो गया नेचुरली, बिना कुछ मेडिसिन यूज किए, एक्सपेरिमेंटल में ड्रग टेस्ट भी होता है। कितनी खुशी मिल रही है? इतनी खुशी जहाँ जब शुरू किया था 6 साल पहले जिम, तो कभी सोचा नहीं था कि अपना फ्लैग लेके इंटरनेशनल स्टेज पे उसको फहराऊंगा, तिरंगे को विदेशियों के सामने। और आज 6 साल बाद लोग सपना देखते हैं इसका, जो जो मैंने आज किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जीत के आ रहे हैं, क्या तैयारी रहेगी आगे? क्या आगे मेरा हो सकता है 6 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या यूनिवर्स चैंपियनशिप, मैं उसकी तैयारी करूंगा और अभी से ही लग जाऊंगा उसमें। सो थोड़ा सा और साइज बढ़ाऊंगा अपना, और नेक्स्ट अमेरिका में होगा वो शो, उसकी तैयारी करूंगा। फैमिली का सपोर्ट अगर देश को एक बार और अगर फैमिली का सपोर्ट पूछा जाए तो इसमें आपको कितना सपोर्ट फैमिली का मिला, और जिस तरह से तैयारी आपने की? फैमिली का तो पूरा सपोर्ट है, बिना उसके तो होगा ही नहीं, कोई भी काम नहीं होता बिना फैमिली। जब स्टार्ट किया तो क्या नेगेटिव और पॉजिटिव क्या रोल रहा फैमिली का? हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव रहता है क्योंकि इंडिया में अपने यहाँ स्पोर्ट्स को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, किसी स्पोर्ट्स को क्रिकेट के अलावा किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं रहता, थोड़ा सा रहता है। कोचेज नहीं थे यहाँ पे, फिर मैंने ट्रेनिंग वगैरह ली बाहर जाकर पंजाब, सर्टिफिकेशन किया फिटनेस एंड न्यूट्रिशन का। फिर 2017 में मैंने ऑस्ट्रेलिया के कोच है हैरिसन डोन से सर्टिफिकेशन किया, उसके बाद मुझे नॉलेज हुई कैसे फिटनेस, कैसे बॉडी बनाते हैं। आज मैं लोगों को गाइड करता हूँ ऑनलाइन ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग के थ्रू, सर्टिफाइड ट्रेनर भी। और फिर फैमिली पहले सोचती थी कि क्या अर्निंग है इसमें, क्या गेम है, क्योंकि ये गेम गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं है, प्राइवेट गेम है, तो क्या फ्यूचर होगा इसमें। लेकिन जब आप मेहनत करते हो और कुछ रिजल्ट आता है उससे, तो आपको फैमिली फ्रेंड्स सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आपको पहले कुछ करके दिखाना पड़ता है किसी भी काम में। आपको चीयर अप करने बस छोड़ कैसा लगा वहाँ पे फैमिली के साथ वहाँ पे अचीवमेंट किया? बहुत अच्छा, मैं बता नहीं सकता हूँ कैसा लगा, बस आप समझ जाओ कि मेरा जो ड्रीम था जब मैं शुरू किया था जिम, आज वो पूरा हो गया है बस, और आगे इसी तरह और भी मेहनत करना है और साइड निकल साइड फील कराना है। थैंक यू।